हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस में। तो देखिए, ये लेक्चर हमारे जो बच्चे हैं जो इनरोल हो रहे हैं दिसंबर 2020 के लिए, ये उनके लिए है। ठीक है, हम आपको हर मंथ का एक शेड्यूल देंगे अपनी तरफ से कि आपको उस मंथ में क्या करना है। हम आपको टॉपिक्स देंगे, आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे, और हर मंथ के लास्ट में हम जो आपका एक मंथली टेस्ट रखेंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स का लगभग 2 घंटे का टेस्ट होगा। तो ये शेड्यूल है भाई अभी से अगले 1 महीने तक के लिए, मतलब कब से 17 जून से 16 जुलाई तक के लिए आपके पास शेड्यूल है। इतने टाइम में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपको फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स है, फिर है आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक में जीओसी। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं हमारे अकॉर्डिंग। और आप लेक्चर्स देख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में 15 लेक्चर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स में लगभग 30 लेक्चर्स हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के 30 लेक्चर्स में आपका फोटो केमिस्ट्री भी और आपका केमिकल काइनेटिक्स भी है, दोनों चीजें हैं वहां पे। ठीक है, तो आप इनको पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट सॉल्व करना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के उसका असाइनमेंट सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेशन के लगभग 20 लेक्चर्स है ये भी आपको देखना है, इसके भी 20 लेक्चर है, इसको पढ़ के फिर इसका असाइनमेंट करना है, फिर आपको जीओसी के 8 लेक्चर है, इसको देख के आप जीओसी का असाइनमेंट कर लीजिएगा। तब ये इस मंथ के लिए आप देख रहे हैं, इस मंथ में जो है जैसे इनऑर्गेनिक के हमने 2 टॉपिक्स रख दिए हैं, तो अगले मंथ में क्या होगा, हम ऑर्गेनिक के 2 टॉपिक्स आपके बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मंथ वाइज जो है टॉपिक्स मेंटेन करके चलेंगे। अब देखिए, अब टोटल लेक्चर आप देखें तो 50, 30, 15, 45, 45, 20, 65, 8, 73 लेक्चर्स। ठीक है, टोटल 73 लेक्चर्स ही आपके हो जा रहे हैं। बट अभी क्या है, देखिए एग्जाम में प्रिपरेशन का तरीका ये होता है कि जो इनिशियल टाइम होता है इसमें आप बढ़िया एकदम मतलब पेस लेके चलिए प्रिपरेशन में। ठीक है, इनिशियली आप मेहनत करते रहेंगे तो सिलेबस आप जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप 2 लेक्चर्स देख सकते हैं दिन में, किसी दिन 3 लेक्चर्स देख लीजिए, बट आप खुद को स्ट्रिक्ट रखिए कि 1 महीने आप इतना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, आप इतना कंप्लीट करिए। और ये टेस्ट जो है 17 जुलाई को आपका टेस्ट होगा 5 बजे से 7 बजे तक इन टॉपिक्स का मिला के। ठीक है, ये टेस्ट ऐसे भी ओपन रहेगा, कोई भी दे सकता है। अगर आप YouTube पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तब इन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। ये टेस्ट हम लेंगे आपका 17 तारीख को 5 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, जो हमारा टेस्ट सीरीज बैच है उसमें हम ऐड करते रहेंगे, तो कोई भी आके इस टेस्ट को 17 जुलाई को दे सकता है। टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, तो आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करिएगा और डाउट अपने सारे क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हर मंथ आके आपको एक शेड्यूल देते रहेंगे। देखिए, ये तो है जो बच्चे अभी जून में जो ज्वाइन कर ले रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा लेट हो रहे हैं ज्वाइन करने में, तो उनके लिए क्या है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस कोशिश यही करना है कि आपको इस मंथ में, जैसे हमने 73 लेक्चर्स दिए हैं आपको, तो आप जब भी ज्वाइन कर रहे हैं उससे नेक्स्ट मंथ 1 महीने के भीतर आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए। टेस्ट मान लीजिए 17 जुलाई को होगा, आप 17 जुलाई को नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप 10 दिन बाद दे लेना, टेस्ट पड़ा रहेगा, बट आप इस शेड्यूल को फॉलो करिएगा। मतलब फिर हम जो भी शेड्यूल दें आपको, आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। आप अपना शेड्यूल जो है 1 मंथ का रखिएगा, बट आप जब से ज्वाइन कर रहे हैं उससे 1 मंथ का शेड्यूल आप रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।